केजरीवाल जी ने अपना पूरा राजनीतिक करियर जो था वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, वो एक मसीहा बने हुए थे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, आज उसी भ्रष्टाचार को वो अपना रहे हैं, ये मुझे बड़ी विचित्र बात लगती है। अगर जंगल राज से जुड़ रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं जो मतलब कैद हुए थे भ्रष्टाचार के कारण, उस पार्टी के साथ उस दल के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे उनकी राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती। जो विशेष दर्जा बिहार को देना था वो हम लोगों ने पैकेज के माध्यम से हम लोगों ने दिया ही है, 1.25 लाख करोड़ का जो हम लोग विकास के लिए जो हम लोगों ने पैकेज बना के बिहार के लिए तैयार किया हुआ है, और बिहार को जो संदेश दिया है कि हम लोग विकास के लिए बिहार के लिए जो भी कुछ करना है हम लोग करने को तैयार हैं, तो इस तरीके से बिहार का विकास तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। केजरीवाल जी का तो नाटक चलता ही रहता है, उनके बहाने तो चलते ही रहते हैं, हम लोग तो काम पे लगे हुए हैं, विकास की जो भी कुछ जो योजनाएं हैं उन पे हम अग्रसर हैं, और देखिए अगर आज जनता इस प्रकार से खुश हो रही है कि हम लोगों ने इतना कुछ काम किया तो आगे आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए उनकी कमजोरी है, उनका डेस्परेशन है कि आज दिल्ली से किसी को बुला रहे हैं, जंगल राज के साथ जुड़ रहे हैं, लालू जी के साथ जुड़ रहे हैं, इसको तो बस हम लोग कुर्सी की राजनीति कह सकते हैं ना, और किस राजनीति को हम लोग कहेंगे। अगर उनको बिल्कुल भरोसा होता अपने विकास के काम पे, अपने सुशासन पे, तो इन सारे लोगों के साथ उनको जुड़ने की क्या जरूरत थी, अपने काम पे खड़े होते, अपने पैर पे खड़े होते। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया था नीतीश कुमार जी का गुणगान करने के लिए, वहां अरविंद केजरीवाल जी जाके अपना गुणगान करके चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रसन्नता है। आप देखिए चंद दिनों पहले जब आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी के बीच मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो नीतीश जी का भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं का और तमाम उन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं का एक ही बात कहना था, जब भी आप उनसे पूछते थे आप क्यों मिल रहे हैं, तो वो कहते थे हमारी सोच मिल रही है। 17 वर्षों तक ये सोच हमसे मिलती रही। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये पार्टी का आविर्भाव हुआ था अब उससे भी सोच मिल रही है। लालू प्रसाद यादव जी के साथ सांप और नेवले का बैर था और आज सोच वहां भी मिल रही है। ये कैसी सोच है जो सुविधा अनुसार हर किसी से मिल जाती है। क्या आप अभी भी लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचारी कांडों से अंधेरे में हैं? जो भ्रष्ट काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, क्या आप अभी अंधेरे में हैं या अभी प्रकाश आना बाकी है? दूसरा सवाल, क्या आज आप और नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जी, बंद कमरे में बैठकर आपने इस पर चिंता की जो आपने 2013 में कहा था कि जो पैसे लालू जी के पास हैं, जनता के करोड़ों रुपए जो लालू जी के पास हैं, वो कैसे वापस आएंगे जनता के खजाने में? क्या आप दोनों लोगों ने बैठ के इस पर चिंता की, एक प्लान बनाया? और प्लान बनाया तो आप इसे प्लीज जनता के सामने रखिए, इसे मैनिफेस्टो में डालिए कि लालू प्रसाद यादव जी से किस प्रकार से पैसे वापस लाए जाएंगे, क्योंकि ये तो आप ही का विचार था।